अद्भुत करने का सोचा परमेश्वर, परमेश्वर दुख में रहा, फरिश्तों की वजह से हुई। गुड फ्राइडे जो है ये किस पर्पस के लिए मनाते हैं? कई साल पहले जो एक आदम ने जो गलती की थी, आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उसकी वजह से दुनिया में एक मृत्यु रूपी जो पाप जो था वो आ गया और इंसान और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई आ गई। उस खाई को भरने के लिए मानव जाति को दोबारा से परमेश्वर के साथ जुड़ाव के लिए परमेश्वर को अपने पुत्र को इस दुनिया में शारीरिक रूप में भेजना पड़ा। उसने इस दुनिया में आकर ना केवल हम इंसानों के लिए, उन तम मसीहों के लिए, तमाम दुनिया के कोने कोने के लोग जो पाप में ग्रस्त थे, परमेश्वर के प्रेम से दूर थे, उन सबको एक करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, ताकि वो हमारे लिए दुख सहे, तकलीफ सहे। और वाकई में ही उसने हमारे लिए बहुत से दुख सहे, कोड़ों की मार सही, उस पर जब उस पर सताव हुआ, वहाँ के जो यहूदी लोग थे उन्होंने उस पर थूका, कांटों का ताज उसके सर पे पहनाया गया, हमारी ही मनुष्यता के लिए, उनकी शांति के लिए उसने ताड़ना सही, और बहुत से हमारे अपराधों के कारण उसे कुचला गया, घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण उस पर बहुत सी जो ताड़नाएँ आईं, लेकिन यीशु मसीह ने इन सब ताड़नाओं को हमारे लिए सह लिया, ताकि जब वो क्रूस पे गया, क्रूस की जो मौत थी वो एक हम मनुष्य जाति के लिए उद्धार का रास्ता थी, मनुष्यता के लिए एक उद्धार का रास्ता था, और वो खाई जो थी वो इस मौत के द्वारा जो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर अपने बलिदान के द्वारा इस मनुष्यता में क्या आ गया, एक तरह से परमेश्वर और इंसान का मेल मिलाप हो गया। इस दिन हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारी गलतियों के कारण अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया, और आज के दिन हर एक चर्चिस में सर्विस की जाती है और उन सात कलमों को पढ़ा जाता है, और वो सारे दुख जो उन्होंने क्रूस पर चढ़ने से पहले सहे थे वो सब याद किए जाते हैं, और प्रार्थनाएं की जाती हैं, और पश्चाताप किया जाता है कि हमने जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए इतने दुख सहे, हम अब उन दुखों को याद करते हुए उन दुख उन गलतियों को ना दोहराएं जिन वजहों से परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाया गया। जीसस क्राइस्ट हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए, क्योंकि इंसान के द्वारा जब पाप आया दुनिया में तो बहुत से नबी लोग आए, लेकिन पाप के ऊपर कुर्बानी कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो बेदाग हो, और जो खुदा ने अपने अपने को बलिदान किया क्रूस पर, और सारे पाप हमारे जगत के पाप अपने ऊपर ले लिए उसने, और क्रूस पे उन्होंने जान दी, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जो ईस्टर के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। यीशु मसीह तो जानते थे परमेश्वर ने जब सृष्टि का नया निर्माण किया, जब उसको बनाया, तो उसे जो आगे बढ़े संसार पाप में ही रखा, तो प्लानिंग तो एडवांस में थी, पहले से थी, लेकिन परमेश्वर ने कीमत चुकाई। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।